मामा के भांजो चैनल सब्सक्राइब करें नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन करें। नमस्कार दोस्तों, मामा जी लाइव के ऐसा भी होता है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मारवाड़ में एक पचपदरा जगह है सर, वहां पे रिफाइनरी जो फाइनल हो चुकी है उसके कारण क्या प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, मगर अभी तक रिफाइनरी खुली नहीं। तो उसके ऊपर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उम्मीदें टूटी है मगर दिल में फिर भी होप है। निगाह ढूंढती हूँ ना राम घोरों को जिन्होंने कहा था पचपदरा में इसको। मारवाड़ के अंदर एक जगह है जो पूरे भारत में फेमस है, उसका नाम है फलोदी। अब वो फेमस अपने एक अलग अंदाज के कारण है दोस्तों। अपने फलोदी के ऊपर अगर टूरिज्म का ऐड बने ना दोस्तों, वो गुजरात वाला, तो पता है कैसे बनेगा? यहाँ खुशबू है सट्टे की, यहाँ खुशबू है मटके की, यहाँ खुशबू है फलोदी की। तो हो जाइए तैयार पूरी मस्ती में, कुछ दिन तो गुजारो सटोरियों की बस्ती में, भर लीजिए अपना धन से बैग, फलोदी टूरिज्म #। फलोदी में क्रिकेट के बुक की जो है ना वो अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो भी कोई ऐड ना कर दे, मैं हूँ बुक्की, मैं हूँ फलोदी। भारत में कोई भी स्पोर्ट्स है ना सिर्फ तन मन से देखा जाता है, हमारे फलोदी में ना आते आते धनु भी देखी जाता है। पूरे इंडिया में इलेक्शन कहीं पे भी हो मगर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा फलोदी वाला लेता है भाई साहब, धंधो यो ही जमान दो। हमारे फलोदी की शादी भैया इतनी फेमस होती है कि उसकी एक खासियत है, फलोदी में एक चौक है जिसका नाम है भैया नदी, और उसमें अगर एक दिन में अगर चार बारात है ना और वो चारों उसी जगह से निकलेगी तो कई बार तो मिक्सअप हो जाता है बाराती, कौन सी बारात का किस बारात में नाच के चला जाता पता ही नहीं चलता है। मारवाड़ के लोग इतने भोले होते हैं कि हम झगड़ा भी करते हैं ना तो उससे पहले पहचान निकाल लेते हैं, झगड़ा शुरू होते तो मन जाने होने गई। हम हमारे महाराजा का इतना सम्मान करते हैं कि झगड़ा शुरू होने से पहले ही बोल देते हैं तो पच के गस्सिंग है गई, मतलब अगर गस्सिंग होता तो हम झगड़ा नहीं करते। पूरे मारवाड़ में फेसबुक और व्हाट्सएप से भी ज्यादा है ना हमारे हताई पाट्टे फेमस है, और पाट्टों का नाम भी पता है कैसा रखा हुआ है, कल्लो की चौकी, बोरो की चौकी, सुतरल चौकी, कुंभरल चौकी, और अटैडो कोई मुद्दों को नहीं जिन बारे में बात नहीं करा सा, हैंगा मत बात कर। मारवाड़ के लोग इतने भोले होते हैं कि उनके बारे में आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड बनी तो सब लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया वो किस कास्ट की है। अब जिस कास्ट की नहीं थी वो सब तो शांत हो गए, और जिस कास्ट की थी वो कास्ट वाले जैसे खुश हो रहे थे जैसे काले मुकला वो कर लेला। मेरा एक नॉन मारवाड़ी दोस्त मेरे से बोला तुम मारवाड़ियों का क्या योगदान है, तुमने कौन सा आविष्कार किया? मैंने उसको कहा एक मारवाड़ी छोरी ब्याह कर आविष्कार तो दूर रहो, घरों बाहर नहीं जा पाला, 17 सवाल पूछा है, कट जाओ किना जाओ किकर जाओला कने आओला धापरा मार का माफ कर कटे नहीं जाओ बस मई ना जाओ।